हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी आने वाली है और इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी का प्रिय भोग मोदक। आज मैं जो शेयर करने जा रही हूँ मोदक की बहुत ही बेसिक रेसिपी है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है इन्हें। सबसे पहले हम मोदक की स्टफिंग बनाएंगे और इसके लिए लगने वाले सभी इन्ग्रीडियंट्स मैंने यहाँ रख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ लिया है मैंने 2 टेबल स्पून नारियल, ये सूखा कसा हुआ नारियल है। 1 टीस्पून लिया है मैंने खसखस, 8-10 बादाम चॉप की हुई, 8-10 पिस्ता चॉप किया हुआ और थोड़ी सी ये चिरौंजी है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, लगभग 1/4 कप ही गुड़ लिया है और 8-10 काजू। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टफिंग बनाना। इसके लिए पैन में हम पहले लेंगे थोड़ा सा घी या बटर, इसमें ऐड कर देंगे हम गुड़। गुड़ को हमको पकाना नहीं है, जस्ट मेल्ट करना है। इसके लिए 2-3 ड्रॉप हम पानी डालेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे मोइन के लिए, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरह की बॉल बनना चाहिए आपके डो में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक मीडियम डो तैयार कर लेंगे, ना बहुत कड़क ना बहुत सॉफ्ट। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम डो की पूरियां बेल लेंगे छोटी छोटी और अब इसे हम मोदक का शेप देंगे। इस तरह आप इसमें स्टफिंग फिल करें और इसे केयरफुली पैक कर दें इस तरह से। लीजिए मोदक तैयार है और इसी तरह हम बाकी मोदक भी रेडी कर लेंगे। सभी मोदक रेडी हो चुके हैं और अब इन्हें हम घी में फ्राई करेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। मोदक डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमें इन्हें हिलाना नहीं है। हमारे सभी मोदक रेडी हैं। एक मोदक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितने बढ़िया मोदक बने हैं। तो इस चतुर्थी पर आप मोदक जरूर बनाइए और गणेश जी को भोग लगाइए। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।